यूपी के सहारनपुर में एक प्राचीन कुएं की खुदाई के दौरान जो कुछ मिला है वो हैरान करने वाला है। खुदाई के दौरान शंख खंडित मूर्तियां, शिलालेख समेत अन्य मूर्तियां मिली हैं। ये कुआं गोटेश्वर महादेव मंदिर में स्थित है। मूर्तियों के निकलने की सूचना फैलते ही वहां लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। सहारनपुर के गोटेश्वर महादेव मंदिर में एक प्राचीन कुएं की खुदाई के दौरान शिवलिंग, नंदी महाराज, माँ पार्वती, हनुमान जी और कार्तिकेय की प्रतिमाएं मिली हैं। इसके अलावा कुएं से करीब 300 साल पुराना एक शंख भी मिला है जो काफ़ी वजनी है। खास बात यह है कि ये शंख अब भी बज रहा है। फिलहाल इसे साफ करके रखा जा रहा है। कुएं को और खोदने की तैयारी है। उम्मीद है कि इसके अंदर से और भी प्राचीन मूर्तियां निकल सकती हैं। गोटेश्वर महादेव मंदिर को मराठा कालीन बताया जा रहा है जो लगभग 3500 वर्ष पुराना है। ये मंदिर पिछले 33 वर्षों से बंद था। बीते दिन मंदिर की साफ सफाई चल रही थी। इसी कड़ी में प्राचीन कुएं की भी सफाई की जा रही थी, तभी उसमें से कुछ खंडित मूर्तियां दिखाई दी जो काफी पुरानी लग रही थी। ऐसे में सफाई करने वाले लोगों ने कुएं की खुदाई की तो उन्हें और मूर्तियां बाद शिलालेख दिखाई दिए। मंदिर के कुएं से प्राचीन मूर्तियों के निकलने की सूचना फैलते ही वहां आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दे दी। इसके बाद प्रशासन की टीम ने वहां पहुंचकर खुदाई बंद करवा दी है। मामले की जानकारी जिलाधिकारी को दी गई। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को जांच करने का निर्देश दिया है। अब कुएं की खुदाई प्रशासन द्वारा टीम बुलाकर कराई जाएगी। पुरातत्व विभाग को भी इस मामले से अवगत करा दिया गया है। मामले को लेकर सिद्धपीठ गोटेश्वर महादेव मंदिर के अध्यक्ष का कहना है कि मंदिर को चारों तरफ से बंद करके आसपास के लोगों ने कब्जा कर रखा था। 2020 में जिलाधिकारी द्वारा इसका कब्जा हटाकर रास्ता बनवाया गया था। इसके बाद पूजा अर्चना के लिए इसे वहां के कुछ व्यापारियों के हाथ में सौंप दिया गया था। उन्होंने बताया कि साफ सफाई के दौरान हमारे संगठन ने सोचा कि इसमें पानी होगा, इसलिए इसकी खुदाई करवाई गई। अध्यक्ष ने बताया कि जब कुएं की खुदाई करवानी शुरू की तो इसके अंदर से धीरे धीरे प्राचीन काल की मूर्तियां निकलनी शुरू हुईं। उन्होंने आशंका जताई कि हो सकता है कि इसको खोदने के बाद इसमें कोई ऐसा दरवाजा भी निकल कर आए जो अंडरग्राउंड मंदिर जाने का रास्ता हो, क्योंकि मराठा काल में चोर और डाकुओं से बचने के लिए पुजारी ने वहां एक गुप्त स्थान बना रखा था। फिलहाल सर्वे के बाद ही इसके इतिहास का पता चल पाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।